हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहित बंसल क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लास है। आज हम सीएमए फाइनल लॉ सब्जेक्ट के आंसर्स हमें फाइनल एग्जाम्स के अंदर कैसे लिखने चाहिए, हमारा प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए, हम वो चीज सीखेंगे। आपको पता है बच्चों, हम सीएमए फाइनल का जो लॉ पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने का तरीका आपको पता है। पूरा स्टडी मटेरियल हमने कंप्लीट कर लिया। पढ़ते वक्त चैप्टर के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हमने कर लिए, सीएमए के क्वेश्चंस तो साथ में करे, सीए के क्वेश्चंस भी हम लोगों ने करे, चैप्टर के एमसीक्यूज हम लोगों के पास में है। उसके अलावा बच्चों, आपके रेगुलर टेस्ट चलते रहते, रेगुलर टेस्ट आपके कंडक्ट हो रही हैं लॉ सब्जेक्ट के। तो अभी आपका चैप्टर नंबर 5 जो कि है डायरेक्टर, उसका टेस्ट हुआ था कल आपका, और उस टेस्ट के अंदर से हमने 2 क्वेश्चंस यहां पर आज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले हैं कि एग्जाम के अंदर जब केस स्टडी आती है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आखिर हमें लिखना कैसे है। देखिए बच्चों, ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ में ऐसा होता है, वो ये बोलते हैं कि सर मैंने सही आंसर लिखा है पर मार्क्स नहीं आए। सर मेरे कॉपी के अंदर, एग्जाम के अंदर आंसर तो मैंने सही लिखा पर सर मार्क्स पूरे क्यों नहीं आए। इसलिए नहीं आए बच्चे, आपने आंसर तो सही लिखा पर सही तरीके से नहीं लिखा, वे ऑफ प्रेजेंटेशन आपका सही नहीं था, इसलिए आपके मार्क्स सही नहीं आ पाए। इसीलिए बच्चों, हम लोग लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं और इसकी रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपके पास में अवेलेबल रहती है। आज की क्लास में हमने जो कंपनीज एक्ट का 5th चैप्टर डायरेक्टर चैप्टर का टेस्ट कंडक्ट किया था, उसके हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने वाले। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन के लिए देखेंगे। पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझा देता हूं, ठीक है, फिर हम आंसर की प्रैक्टिस किस तरह से लिखना, वे ऑफ प्रेजेंटेशन। आंसर आपको आता होगा इस क्वेश्चन का, लिखना कैसे मैं वो समझाऊंगा। पहले क्वेश्चन समझिए प्यारे बच्चों। ये बोल रहा है कि पी क्यू आर लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, ठीक है बच्चों, पी क्यू आर लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और उस कंपनी ने एक बैंक से लोन लिया हुआ है। PQR लिमिटेड नाम की एक कंपनी है और उस कंपनी ने एक बैंक से लोन लिया हुआ है, तो बैंक ने एक पीटर नाम के आदमी को, बैंक ने एक पीटर नाम के पर्सन को नॉमिनेट कर दिया कि ये पीटर इस PQR लिमिटेड कंपनी जिसने इस बैंक से लोन लिया है, बैंक ने बोला कि ये पीटर नाम का आदमी इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट हो जाएगा। कब तक के लिए? जब तक इसका ऊपर लोन चल रहा है, जब तक ये लोन चल रहा है तब तक के लिए पीटर नाम का पर्सन PQR लिमिटेड कंपनी के अंदर डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंटेड रहेगा। ये किसने बोला? बैंक ने बोला। लेकिन बच्चों, क्वेश्चन यहां तक समझ में आया क्वेश्चन? अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में 2 चीजें बताई गई हैं कि PQR लिमिटेड जो कंपनी है उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर ऑथराइज्ड नहीं किया गया है ऐसे किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए, ऑथराइज्ड नहीं है AOA, पहली बात। दूसरी बात, ये जो बैंक है इसने खुद ने अपनी मर्जी से अनाउंस कर दिया, बैंक ने इस कंपनी के साथ में कोई एग्रीमेंट नहीं करा जिसके अंदर ये नहीं लिखा कि मैं अपने यहां से पीटर नाम के पर्सन को आपकी कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए नॉमिनेट कर रहा हूं। ऐसा कोई एग्रीमेंट बैंक और कंपनी के बीच में नहीं हुआ और ना ही कंपनी के AOA ऑथोराइज करते हैं, लेकिन फिर भी पीटर नाम का आदमी कंपनी में डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट हो चुका है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो पीटर इस कंपनी के अंदर डायरेक्टर की पोजीशन पे अपॉइंट हुआ है, जब तक लोन एग्जिस्ट करता है तब तक के लिए क्या इसका अपॉइंटमेंट सही है?
अब बच्चों देखो, क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया, इसका आंसर पहले सुन लो, लिखने का तरीका मैं समझाऊंगा, पहले आंसर क्या है ये आप सुनो। आंसर ये है कि सर पीटर का जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि सर इस तरह के डायरेक्टर को नॉमिनी डायरेक्टर बोला जाता है। हमने पढ़ा था सर, आपने सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 हमें क्लास में पढ़ाया था, जिसमें आपने बताया था कि अगर कोई भी कंपनी किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती है तो वो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक पर्सन कंपनी में नॉमिनेट कर सकता है डायरेक्टर की पोजीशन पर, उसे नॉमिनी डायरेक्टर बोलते हैं। ऐसा क्यों करता है बैंक और कब तक के लिए वो डायरेक्टर अपॉइंटेड रहता है? वो डायरेक्टर अपॉइंटेड रहता है जब तक लोन एग्जिस्ट सबसिस्ट कर रहा है तब तक। क्लियर है ये चीज? और इस तरह के डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए किसी शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं चाहिए, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर अप्रूव कर देते हैं तो नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट हो जाता है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कंपनी का एओए ऑथराइज करता हो, पहली बात, और दूसरी बात बैंक और कंपनी के बीच में एग्रीमेंट बन चुका। आपको पता है मैंने क्लास में पढ़ाया था कि कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसा कोई डायरेक्टर क्यों अपॉइंट करता है कंपनी में, इसलिए अपॉइंट करता है ताकि वो पर्सन कंपनी के अकाउंट्स का एक्सेस रख सके, कंपनी के पीएनएल बैलेंस शीट का एक्सेस रख सके। अगर कल को ये हुआ कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, कंपनी के पास में कम पैसा है, तो वो पर्सन अपने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जल्दी से बता देगा कंपनी की हालत खस्ता हो गई है, अपना पैसा रिकवर करो, जो लोन दिया था वापस मांगो, ये वरना वाइंड अप हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। इस वजह से दूसरा, जब कंपनी ने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया था तो कंपनी ने पर्पस बताया था कि ये लोन क्यों लिया जा रहा है, बिजनेस पर्पस के लिए लिया जा रहा है, किसी इन्वेस्टमेंट के लिए लिया जा रहा है, किसी प्रोजेक्ट के अंदर लगाने के लिए लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है। वो नॉमिनी डायरेक्टर चेक करेगा क्या ये लोन सच में उसी पर्पस के लिए यूज आ रहा है, कहीं दूसरे पर्पस के लिए यूज तो नहीं रहा। इसलिए कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिससे कंपनी ने लोन लिया है उस कंपनी में किसी पर्सन को नॉमिनी डायरेक्टर की पोजीशन पे नॉमिनेट कर सकता है, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर ऑथराइज कर अपॉइंट कर देते हैं तो वो नॉमिनी डायरेक्टर की तरह अपॉइंट हो जाएगा, शेयर होल्डर्स की अप्रूवल नहीं लेनी पड़ती। दो कंडीशन जरूरी है, कंपनी का एओए ऑथराइज करना जरूरी है, दूसरा बैंक और कंपनी के बीच में इस चीज के लिए एग्रीमेंट बन चुका। ये आंसर है, ये हमें पता है, हम इसे लिखेंगे कैसे? अब हम वे ऑफ प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। एंड मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग हमने और इससे पहले काफी सारी क्लासेस आंसर राइटिंग की करी हुई है, उन सबके अंदर मैंने आपको बताया था जब भी आप आंसर लिखते हो आंसर को तीन पार्ट में डिवाइड कर दो। जो पहला पार्ट है उसके अंदर एग्जैक्टली लॉ लिखो जो बोलता है, जो आंसर जो लॉ बोलता है। दूसरे वाले के अंदर उस प्रेजेंट सिचुएशन क्वेश्चन की सिचुएशन को लिखो, एंड थर्ड वाले के अंदर कंक्लूजन लिखो। अगर आंसर को इस तरह से बांट दोगे तो बेस्ट हो जाएगा, देखिए कैसे। अब आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, आप लोग अपनी कॉपीज में मेरे साथ में। सबको आवाज क्लियर है बच्चों? वीडियो सब कुछ क्लियर आ रहा है? एक बार चैट पे बताओ क्लियर है, वेरी गुड। तो आप लोग अब आंसर लिखना कॉपीज में स्टार्ट करो, ठीक है? और किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो चैट पर मुझे बोल सकता है, वहीं पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, इसकी आपके पास में रिकॉर्डिंग, ये लाइव क्लास है, लाइव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी आपके पास में अवेलेबल रहेगी, आपके एग्जाम तक अनलिमिटेड है, जितनी बार देखो देख लेना। देखिए अब आंसर लिखना हम कैसे शुरू करेंगे। Pursuant to the provisions of Section 161, Subsection 3 of Companies Act 2013, if any company has obtained
loan from any bank or financial institution, from any bank or financial institution, then that bank or financial institution can nominate any person to be appointed as director in company till loan subsist. Third point, board of directors of that company can approve the appointment if following conditions are fulfilled. If following conditions are fulfilled. ठीक है बच्चे, अब इसके नीचे आपको लिखना है, मैं इसको यहां पे रब कर रहा हूं ऊपर वाला पार्ट, तो जो मैं अब लिखूंगा ना वो आपको नीचे लिखना है, यहाँ कंटिन्यू करना है आपको, ठीक है? मेरे पास में जगह कम है इसलिए मैं ये पार्ट यहां से रब कर रहा हूं. हाँ, आप लोग नीचे लिख लो बच्चे, बिल्कुल आप लोग तो कंटिन्यू करके लिखना है आपको एकदम प्रॉपर, है ना? चलिए, कौन सी फॉलोइंग कंडीशन, अब इसके अंदर भी सब पॉइंट डाल देंगे. AOA must authorize for this appointment. एक तो AOA का authorize होना जरूरी है, दूसरा an agreement has been entered या executed कर दो, executed between company and bank for the same. ठीक है बच्चों, यहां तक आपने आंसर लिखा, ये हमने बोला ना आपको आंसर तीन पार्ट में डिवाइड करना होता है, ये पहला पार्ट लिखा जिसमें हमने लॉ लिख दिया, लॉ लिख दिया. चेक करने वाला जब आपकी कॉपी चेक करेगा और एकदम से ये चीज पढ़ेगा ना, तो वो बोलेगा अरे इस बच्चे को आंसर आता है, अब इसकी पूरे आंसर को पढ़ लो. अगर स्टार्टिंग में आपने, बहुत सारे बच्चे स्टार्टिंग में प्रेजेंट सिचुएशन लिखते हैं कि हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है, वहीं पर उसका दिमाग खराब होता है चेक करने वाले का, अरे क्वेश्चन क्या बोल रहा है मुझे पता है यार, तो आंसर बताओ ना. अगर आप स्टार्टिंग में लॉ लिख देते हो पहले पैरा में, उसको खुशी हो जाती है कि यार इसका आंसर तो मैं पढ़ लेता हूं क्योंकि ये तो सही लिख रहा है, सही ट्रैक पे जा रहा है, चलो इसको पूरा पढ़ लेते हैं. यहां तक लिखा, अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे पैरा चेंज करके. इन गिवन सिचुएशन, इन गिवन सिचुएशन पीटर is appointed as nominee director in PQR limited company but without authorization of AOA and no agreement between bank and company. ये second part हो गया हमारा. अब third part. Hence, from the above explanation, it is clear that appointment of
पीटर इज नॉट वैलिड। अब देखो बच्चे, ये मैंने जो आपको आंसर लिखा है ना, ये क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आपको भी आता था और एग्जाम में आप भी यही आंसर लिखकर आते, एग्जाम में आंसर आप यही लिखकर आते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं आपको आंसर नहीं आता, मैंने पढ़ाया है, अपन ने पढ़ा है पूरे एक एक चीज को एग्जाम्पल्स के साथ। जब हमने चैप्टर पढ़ा तब हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, सीएमए के क्वेश्चन सॉल्व करे, सीए के क्वेश्चन सॉल्व करे, प्रैक्टिकल एमसीक्यू सॉल्व करे, तो आंसर तो आपको आता है लेकिन तरीका जो है वो अगर सही हो तो आपके अच्छे से मार्क्स आ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये हमने एक क्वेश्चन को लिखने का तरीका देखा। अब हम चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों एक और क्वेश्चन को लिखने का तरीका हम लोग देख लेते हैं। देखिए अब हम देखेंगे इस वाले क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है पहले वो समझा देता हूं। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक मिस्टर, क्वेश्चन ये बोल रहा है बच्चों कि एक मिस्टर पी नाम का आदमी है और उसको अपॉइंट किया जा रहा है एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर, उसको अपॉइंट किया जा रहा है एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर। किसका अल्टरनेट? अल्टरनेट डायरेक्टर की पोजीशन पे उसको अपॉइंट किया जा रहा है किसका? ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी। कहने का मतलब यह है एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी के अंदर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है। सपोज करो सलमान खान इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है एक्स वाई जेड लिमिटेड, सपोज करो वो अभी नहीं आ रहा है। मैंने आप लोगों ने पढ़ा है कि वो कौन कौन सी सिचुएशन होती है जिसमें ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जाता है, सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 के अंदर हमने पढ़ा है। सपोज करो सलमान खान एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, अभी वो है नहीं प्रेजेंट, तो हम कंपनी ये चाह रही है कि जब तक सलमान खान नहीं है तब तक उसका कोई ऑल्टरनेट अपॉइंट कर लिया जाए और मिस्टर पी को ऑल्टरनेट डायरेक्टर की पोजिशन पे अपॉइंट कर रहे हैं। किसका ऑल्टरनेट है वो? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का, जबकि मिस्टर पी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए क्वालिफाइड नहीं। क्वेश्चन यह है क्या मिस्टर पी को इस इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अल्टरनेट अपॉइंट किया जा सकता है कि नहीं, क्वेश्चन यह पूछ रहा है बच्चों। आंसर हमें पता है कि नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, हमें यह बहुत अच्छे से पता है, हमने ये पढ़ा हुआ है बच्चों कि सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है। सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 यह बोलता है कि अगर कोई भी हमने कुछ सिचुएशंस पढ़ी हुई है ना, अगर मान के चलो क्या नाम है, कोई पर्सन जो है वो इस वक्त इंडिया के अंदर प्रेजेंट नहीं, उसके व्याप पे अगर हम अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो अल्टरनेट डायरेक्टर तो हम अपॉइंट कर सकते हैं, और वो अल्टरनेट डायरेक्टर कब तक के लिए रहता है? जब तक ओरिजिनल वाले का टाइम है या फिर ओरिजिनल वाला वापस आ जाता है, विच एवर इज अर्लियर। वो अपने क्लास में एग्जाम्पल के साथ देता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें ये पता है कि अगर किसी भी पर्सन को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है तो जरूरी है जिसको अल्टरनेट डायरेक्टर बना रहे हैं इंडिपेंडेंट का, वो खुद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन पजेस करता हो, अदरवाइज उसे इंडिपेंडेंट अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। ये हमारा आंसर है, ये हमें पता है। अब हम इसे लिखेंगे कैसे वो देखिए। सबसे पहले लिखेंगे कैसे आप ये समझिए, provisions of section 149 of Companies Act 2013, first point, if any person wants to be appointed as independent, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, आपको पूरा लिखना है ना, नहीं एग्जाम में नहीं, नहीं नहीं नहीं
नहीं राखी बेटे, एग्जाम के अंदर आपको एक एक चीज फुल फॉर्म लिखनी है। जैसे मैंने यहाँ पे आई डॉट डी लिख दिया ना, मैंने तो शॉर्ट में लिख दिया जल्दी के लिए, आपको प्रॉपर पूरा लिखना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इफ एनी पर्सन वांट टू बी अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट पजेस ऑल क्वालिफिकेशंस एंड मस्ट फुलफिल all requirements of section 149। ये section भी आपको full लिखना है, ठीक है? ये मैंने ऐसी से लिखा पूरा। तो पहला अभी तक हमने क्या लिखा कि अगर कंपनी के अंदर कोई भी पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना चाहता है तो सेक्शन 149 के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं, वो आपको पजेस करनी हो। क्लियर? यहां तक लिख लिया बच्चों आपने? मैं रब कर दूं एक बार के लिए आपको, या ये अभी तक जो लिखा है, ये अभी फर्स्ट पैरा ही चल रहा है, फर्स्ट पैरा खत्म नहीं हुआ। ठीक है, फिर हम फर्स्ट पैरा के अंदर ही लिखेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजंस ऑफ Section 161 subsection 2 of Companies Act 2013, if an alternate director on behalf of independent director is to be appointed, then that alternate director, then that alternate director must possess all the qualifications of independent directorship। यहां तक क्लियर है? दो बातें लिखी अभी तक हमने अपने फर्स्ट पैरा में। एक तो हमने लिखा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने की कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंगली अगर कोई भी पर्सन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अल्टरनेट डायरेक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि उसने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाली क्वालिफिकेशन पजेस की हुई हो। ये हमारा फर्स्ट पैरा था। अब हम अपने सेकंड पैरा पे आएंगे। रब कर दूं बच्चों में? निखिल जल्दी लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो अब चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब सेकंड पैरा, इन गिवन सिचुएशन मिस्टर पी who is not qualified for independent directorship is being appointed as alternate director on behalf of an independent director। ये present situation है, clear? अब हम अपना conclusion, मैं conclusion यहां ऊपर लिख रहा हूं। Hence it is clear that Mr. P should not be appointed as alternate director on behalf of independent director। क्लियर है बच्चों? तो आंसर फिर उसे बोला, आंसर आपको आता था, लिखने का तरीका मैटर करता है बच्चों, तभी तो जाकर आपको 5 मार्क्स मिलते हैं 4 मार्क्स।
एक और चीज, हाँ मैं यही चीज बताने वाला हूँ। देखो बच्चों, यही चीज मैं बताने वाला हूँ। बाई चांस ऐसा होता है बहुत सारे स्टूडेंट को सेक्शन याद नहीं रहता। बच्चे बोलते हैं कि सर आप जब स्टार्ट करते हो आप तो लिखते हो परसुएंट टू दी प्रोविजंस ऑफ फलाना सेक्शन, आपको तो सेक्शन याद है। हमें अगर सेक्शन याद नहीं है तो आप ऐसे लिख दो, जब तक सेक्शन याद नहीं है ना तब तक गलत सेक्शन तो बिल्कुल भी मत लिखना वरना मार्क्स कट जाएगी। सही सेक्शन लिखने पे मार्क्स मिले या ना मिले, गलत लिखने पे कट जाएंगे, ये पक्का है। तो इसलिए आपको कैसे लिखना है, अगर सेक्शन याद नहीं है ये लाइन लिख लो आप, परसुएंट टू दी प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेबल सेक्शन, पर्सुएंट टू दी प्रोविजंस ऑफ एप्लीकेबल सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, इस तरह से। तो आई होप बच्चों यहां तक आपको समझ में आया है। दोबारा से बोल रहा हूं, मैंने आपको एक चीज और बताई थी स्टूडेंट की, आप लोगों को पढ़ना कैसे है, जैसे प्रॉपर कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो आपको पूरा पैकेज प्रोवाइड किया गया है लॉ का, उसमें सबसे पहले आप चैप्टर को पढ़िए, मतलब क्लास को पढ़िए। जब आप क्लास पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपका पूरा स्टडी मटेरियल कंप्लीट होगा, साथ में सीएमए के क्वेश्चंस हो जाएंगे। क्लियर है? साथ में सीएमए के क्वेश्चन, जैसे चैप्टर वन पढ़ रहे हो आप, तो चैप्टर वन की पहले क्लास आपने पढ़ी तो स्टडी मटेरियल हो गया, और साथ में चैप्टर के अंदर ही आपको पता है टॉपिक वाइज सीएमए के सभी क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं। उसके बाद में उसी चैप्टर वन का सीए के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए हैं आपको, सीए के क्वेश्चन भी सॉल्व करवाए, वो भी पढ़िए। उसके अलावा उसी चैप्टर वन के एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व करवाए। तो इसका मतलब एक चैप्टर की अगर हम बात करें, उसका स्टडी मटेरियल पढ़ लिया, सीएमए के क्वेश्चंस पढ़ लिए, सीए के क्वेश्चंस पढ़ लिए, एमसीक्यूज पढ़ लिए, अब ये चैप्टर आपका 500% तरीके से कंप्लीट है। अब इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। सबसे बेस्ट तरीका है ये पढ़ना। तो इसी तरीके से आपको क्लासेस प्रोवाइड की गई है बच्चों, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस क्लासेस चलेगी। अब इसके बाद में नेक्स्ट टेस्ट होगा आपको मीटिंग चैप्टर का, उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी। वो आपको पता है अपने रेगुलर टेस्ट चलते हैं, उसके ऊपर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा हो, फाइनल एग्जाम के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाओ। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। सभी बच्चों को समझ में आ गया, एक बार चैट पर लिख दो क्लियर है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।